मेरा नाम राजीव है और आज हम लोग बात करने वाले हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट स्टैक फॉर 2001 एंड 2022। मैं पांच ऐसे वेब डेवलपमेंट स्टैक के बारे में बताने वाला हूँ जो अभी 2001 में ट्रेंडिंग में है और आगे 2002 एंड 2023 में ये ट्रेंडिंग में रहने वाले हैं, और इन पे आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है, अच्छे पैसे मिलने वाले हैं और इन स्टैक पे आपको काम करने में मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है। आप जानते होंगे वेबसाइट का तीन पार्ट होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। ओके, सो जो फ्रंट एंड पे काम करते हैं उनको हम फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं, जो बैक एंड पे काम करते हैं उनको बैक एंड डेवलपर बोलते हैं, और जो डेटाबेस पे काम करते हैं उनको डेटाबेस डेवलपर बोलते हैं, और जो तीनों पे काम करते हैं उनको हम फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। और ऑब्वियस बात है, जो तीनों पे काम करेंगे उनकी सैलरी भी कहीं ज़्यादा होगी। ओके, और उनके हाथ में एक सबसे बड़ा पावर ये होगा कि अगर वो फ्रंट एंड पे भी काम करते हैं, बैक एंड पे भी काम करते हैं और डेटाबेस पे भी काम कर सकते हैं, तो पूरी की पूरी एक कंप्लीट वेबसाइट वो खुद से बना सकते हैं, उनको किसी और की हेल्प नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टैक है मर्न स्टैक। अब मर्न स्टैक क्या है? ये पूरा का पूरा मर्न स्टैक जावास्क्रिप्ट पे है। एम का मतलब हो गया MongoDB, MongoDB डेटाबेस, NoSQL डेटाबेस है। ई का मतलब एक्सप्रेस, एक्सप्रेस जो है नोड का फ्रेमवर्क है। देन रिएक्ट, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है फ्रंट एंड के लिए। एंड देन नोड, नोड एक रन टाइम है बैक एंड के लिए। सो मर्न स्टैक आज के टाइम में मार्केट में सब, चाहे इंडिया का मार्केट हो या फॉरेन, अगर आप बाहर की कंपनीज के लिए जॉब करना चाहते हो, रिमोटली जॉब करना चाहते हो, तो मर्न स्टैक बहुत ज़्यादा डिमांड में है और सबसे हाईएस्ट सैलरी मर्न स्टैक में ही है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो एवरेज सैलरी 7 लाख से 8 लाख पर एनम एक एवरेज डेवलपर की इंडिया में है। अब डिपेंड करता है आप कितना मर्न स्टैक पढ़े हो, कितना जानते हो, कितना काम किए हो, कितना प्रोजेक्ट बनाए हो। ये जो मैं एवरेज सैलरी 7 लाख से 8 लाख बता रहा हूँ, ये 15 लाख भी हो सकते हैं, 20 लाख भी हो सकते हैं। अगर आप बाहर की कंपनी में ज्वाइन करते हो, किसी फॉरेन कंपनी में, तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख 3 लाख मंथली हो सकता है, अगर आप जर्मनी या फ्रांस या यूएसए की कंपनी में ज्वाइन करते हो तो। सो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में अभी हमारे इंडिया में उतना पैसा नहीं है, बाहर के कंट्रीज में काफ़ी पैसा है और मर्न स्टैक की डिमांड भी इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा है। इंडिया में डिमांड भी है लेकिन कहाँ पे है? बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, जो भी टायर 1 सिटीज़ हैं वहाँ पे मर्न स्टैक, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनकी बहुत डिमांड होती है। अगर आप यूपी बिहार के साइड में रहते हो तो उधर मर्न स्टैक पे काम करना मेरे हिसाब से उतना सही नहीं होगा, क्योंकि लोग आपको पे करने के लिए रेडी नहीं होंगे। हाँ, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो बिल्कुल मर्न स्टैक सीखो, आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। बट बिजनेस करना चाहते हो यूपी बिहार के साइड में, तो मैं आपको बोलूँगा आप PHP या ASP.NET के साथ जाओ। अभी आगे हम लोग बात करेंगे। सो दूसरा स्टैक है हमारा मीन स्टैक। अब मीन स्टैक क्या है? हमारा जो मर्न स्टैक था उसमें MongoDB था, एक्सप्रेस था, नोड था और रिएक्ट था। मीन स्टैक में बस चेंज क्या हो जाता है कि फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट की जगह, ये देखो आर की जगह ए आ गया है, एंगुलर JS आ जाता है। एंगुलर भी एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, ठीक है। सो MongoDB, एक्सप्रेस, नोड तीनों सेम रहेंगे, और अगर आप रिएक्ट की जगह एंगुलर ला दोगे तो इस स्टैक को बोलते हैं मीन स्टैक। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बिल्कुल जैसे मर्न स्टैक था वैसे ही इसकी भी पॉपुलैरिटी है। हालांकि एवरेज डेवलपर सैलरी इसमें थोड़ा सा कम है, लगभग 6 LPA टू 7 LPA एवरेज डेवलपर सैलरी मीन स्टैक डेवलपर का है इंडिया में। अगर नेक्स्ट स्टैक की बात करते हैं हम, तो है MEVN। अगेन MongoDB, एक्सप्रेस और नोड सेम है, सिर्फ चेंज क्या हुआ, एंगुलर JS की जगह व्यू JS आ गया। M फॉर MongoDB, E फॉर एक्सप्रेस, और यहाँ पे एंगुलर की जगह व्यू JS आ गया, और N फॉर नोड। सो MEVN स्टैक भी काफ़ी फेमस है आज के टाइम में। जो स्टार्टअप्स हैं, जो लोग अपनी कंपनी आज के टाइम में शुरू कर रहे हैं, आप कुछ नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है, तो ये तीनों ही स्टैक उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। ये आपको अच्छी स्पीड देंगे, आप बहुत ही चीप प्राइस में अपनी वेब ऐप को होस्ट कर सकते हो, आपको मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं देखना होगा। सो ये फ़ायदा है इन तीनों स्टैक का, और ये तीनों के तीनों प्योरली जावा स्क्रिप्ट पर लिखे गए हैं। तो अगर इन तीनों को आप सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बेसिक जावा स्क्रिप्ट सीखना होगा।
अगर नेक्स्ट स्टैक की मैं बात करूं तो ये है जेंगो स्टैक। लिखा हुआ है डी जेंगो बट डी साइलेंट है, इसको हम पढ़ते हैं जेंगो स्टैक। जेंगो क्या है? पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जो बैकएंड के लिए यूज होता है। तो स्टिल बैकएंड के लिए जेंगो हो गया। अब अगर इसमें मैं फुल स्टैक की बात करूं तो फ्रंट एंड में आप चाहो तो रिएक्ट भी यूज कर सकते हो, चाहो तो एंगुलर भी यूज कर सकते हो, चाहो तो आप सिंपल HTML CSS Bootstrap से लिख सकते हो। डेटाबेस में आप NoSQL भी यूज कर सकते हो या फिर MySQL भी यूज कर सकते हो। सो ये था हमारा Django Stack, इसे भी आप सीख सकते हो। इसकी एवरेज सैलरी है 5 लाख टू 6 लाख पर ईयर। अगर मैं लास्ट स्टैक की बात करूं तो वो है हमारा लैम। ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। अगर आज के टाइम में मार्केट को देखोगे तो लगभग 30-35% वेबसाइट लैम पे ही बनी हुई है, ठीक है। जो भी टायर टू सिटीज हैं वहां पे लैम बहुत फेमस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है, जैसे नॉर्मल आपको किसी मॉल के लिए वेबसाइट बनानी है, आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, आपको फूड डिलीवरी वेबसाइट बनानी है, तो लैम्प स्टैक में इतने ज़्यादा आपको ऑलरेडी टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, लाइब्रेरीज दी हुई हैं, आप वो काम बहुत आराम से कर सकते हो। इसीलिए इतना पुराना होने के बाद भी आज भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसकी डिमांड बिल्कुल बनी हुई है। रोज हमारे PHP के नए लाइब्रेरी मार्केट में आ रहे हैं। तो आप चाहो तो लैम्प स्टैक भी सीख सकते हो। इस पर स्टार्टिंग में आपको शायद उतना पैसा ना मिले, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो पैसा ही पैसा है। तो अगर मैं लैम्प स्टैक की बात करूं तो L का मतलब लिनक्स, A का मतलब हो गया हमारा अपाचे, और M का मतलब MySQL डेटाबेस, और P का मतलब PHP लैंग्वेज बैकएंड के लिए। सो ये थे हमारे 5 टॉप फुल स्टैक डेवलपमेंट स्टैक, जो आप अगर आप जॉब पाना चाहते हो तो इनको सीख सकते हो। और इनमें से किसी भी स्टैक को अपने आप सीखना चाहते हो तो मैक्सिमम आपको 4-5 मंथ का टाइम देना होगा। अगर आप डेडिकेटेड टाइम रोज 5-6 घंटा दे सकते हो तो 5-6 महीने में आप इनमें से कोई भी स्टैक सीख सकते हो और आप जॉब पा सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।